नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज़। केडीएमसी के पूर्व नगर सेवक प्रकाश भोयर ने 50 करोड़ रुपए के टीडीआर घोटाले के खिलाफ उप लोकायुक्त के पास शिकायत की थी। इस मामले की जांच करने पर ये पता चला कि तत्कालीन तलाठी शिवाजी भोयर और तत्कालीन तलाठी बीबी केदार दोषी हैं। उन पर पुलिस मामला करे ऐसा पत्र थाने जिलाधिकारी ने कल्याण तहसीलदार को भेजा है। कल्याण तहसीलदार दीपक आकड़े ने बोर्ड अधिकारी ठाकुरली को पुलिस थाने में मामला दर्ज करने के लिए एक पत्र भी दिया है। केडीएमसी के पूर्व नगर सेवक प्रकाश भोयर ने डोंबिवली पश्चिम में 50 करोड़ रुपए के टीडीआर घोटाले के खिलाफ शिकायत की थी। भोयर लगातार इस मामले में आवाज उठाते रहे हैं। जांच में यह पता चला है कि अवैध 712 को इस तरह से वितरित किया गया था कि आरोपी अपने वरिष्ठों को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना लाभान्वित होगा। इस मामले में जो लाभार्थी है उनमें से कुछ केडीएमसी के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य हैं। उन पर केडीएमसी आयुक्त मामला दर्ज करवाए और आज के टीडीआर भाव के अनुसार उनके पैसा वसूल करे, ऐसी मांग प्रकाश भोयर ने की है। माननीय जिल्हाधिकारी आणि माननीय तहसीलदारांनी मोजे गावदेवी इथे झालेल्या टीडीआर घोटाळ्याच्या संदर्भात दोन तलाट्यांवर गुन्हा दाखल केलेला आहे। हे गुन्हा याच्यासाठी दाखल केलेला आहे की त्यांनी खोटे सातबारे बनून महानगरपालिकेमध्ये लाभार्थ्यांनी खोटे कागदपत्र दाखल करून जवळजवळ 18,525.3 स्क्वेअर मीटरचा जवळजवळ या सगळ्या जमिनीचा 50.1 कोटीचा टीडीआर घोटाळा केलेला आहे। आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि तहसीलदारांनी तलाठ्यांवर कारवाई करायला सांगितलेली आहेच, तो प्रश्न आहे, त्यांच्यावर कारवाई होईल, चौकशा होतीलच। परंतु महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी जे लाभार्थी आहेत, ज्या लाभार्थी जे महानगरपालिकेचे कर्मचारी आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणं गरजेचं आहे। त्यांच्या ज्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील या गोष्टीचा लाभ घेतला त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे। त्यांची डीआरसी रद्द करायला पाहिजे आणि आजच्या किमतीनुसार, म्हणजे आज जी किंमत बाजारभाव टीडीआरची आहे, त्या किमतीनुसार महानगरपालिकेने यांच्याकडनं पैसे वसूल करायला पाहिजे। तो ये थे आज का हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चम न्यूज़।